करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में हुई जिले की सबसे बड़ी डकैती और आईओसीएल के कंस्ट्रक्शन का काम कर रही एलएनटी के अधिकारियों का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले को ट्रेस आउट करने वाली सीआईए 3 की टीम की सराहना करते हुए इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर व टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गांव बिंझोल में 3 बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में गृह मंत्री के आदेश के बाद पुलिस कार्यवाही चल रही है। गृह मंत्री के आदेश पर 2 दिन में अंतरिम रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है। उन्होंने बताया कि पूरे केस की गहराई से छानबीन करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा गया है। आज हमारी पुलिस की टीम ने डीएसपी क्राइम राजेश फोगाट और उनकी टीम ने 2 बहुत अच्छे काम किए थे जिसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया गया। 4 करोड़ की जो बैंक डकैती हुई थी 2 साल पहले, तो ये मुकदमा बहुत सालों से इंटरेस्ट चल रहा था, 2 साल से, तो हमारी टीम ने उसको बहुत ही मेहनत और लगन से उसमें काम करके उसको ट्रेस किया है और उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी करी है इसमें, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। दूसरा है कि इन्होंने किडनैपिंग का केस सॉल्व किया है आईओसीएल का, उसके लिए सम्मानित किया गया। बिंझोल में 3 बच्चों के मर्डर मामले में एसआईटी को 10 सौंपी गई है, तो अभी तक क्या जांच चल रही है और उनके नार्को टेस्ट भी करवाए गए? जाँच चल रही है और एचएम साहब का जैसे आदेश था तो 2 दिन में एक इंटरिम रिपोर्ट बना के दे दी गई है और 3 हफ्ते का समय मांगा है, तो इसमें फर्दर जाँच की जाएगी। जैसे ही जो भी रिपोर्ट्स आएंगी फिर उस हिसाब से एसपी करनाल उसको फाइनलाइज करके भेज देंगे।